कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 राहुल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद दमनकारी भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 दमनकारी भाजपा सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी लगातार अपने विपक्षियों की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। मैंने नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं। जब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा तो सीबीआई का उनके यहाँ छापा पड़ता है, ईडी की जांच बैठती है और नारायण राणे जैसे ही वापस जाते हैं वो सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं। उसके अलावा येदियुरप्पा जी और उनके बेटे का आपने देखा होगा, जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी उन पर ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और वो वापस बीजेपी में गए तो ईडी की कार्रवाई रफा दफा हो गई। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को क्लीन चिट एक बार मिल चुकी थी, एक विवादित अधिकारी के द्वारा उसको पुनर्जीवित किया गया और वो अधिकारी जो अपनी सर्विस पूरी होने के पहले ही इस्तीफा देकर आज यूपी में भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी है, तो ये अपने आप में संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो विपक्ष की आवाज़ को दबा सके। और वर्तमान में जिस तरीके से अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और मायावती चुप बैठ गई हैं, ये दर्शाता है कि सबको सीबीआई का डर सता रहा है। केवल गांधी परिवार ऐसा है जो अमित शाह और मोदी के खिलाफ प्रखर रूप से बोलता है, बात कर रहा है, उनका विरोध करता है, इसीलिए ईडी का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है और हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।